ही कर पाया है। ऐसे में देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से 12 रन बनाए, देखिए उम्मीद सबसे पहले कप्तान से ज्यादा होती है, एक कप्तान से, और रोहित शर्मा जब कप्तानी करते हुए नजर आते हैं तो उम्मीदें ज्यादा होती है, लेकिन उन उम्मीदों पर अभी तक खरे नहीं उतर पाए हैं रोहित शर्मा। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बॉलर पर भी खड़े होते हैं। शुभमन गिल की बात करें, उसने हर फॉर्मेट में अपने आप को साबित किया है, चाहे वो T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आज खामोश इनका बल्ला नजर जरूर आया। देखिए शुरुआत थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे की, रन 21 रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी हालांकि अच्छा था, लेकिन टिक नहीं पाए, कहीं ना कहीं शुभमन गिल को टिकने की जरूरत थी और टेस्ट मैच ही चल रहा था तो टिकना वहां पे बेहद जरूरी था वहां, लेकिन शुभमन गिल नहीं टिक पाए। 18 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन उन्होंने बनाए और आप ये देखिए कि स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, इन 21 जो है रन में उन्होंने 3 चौके यहाँ पे जड़े, तो आप ये देखिए कि फॉर्म बहुत शानदार, हालांकि शुभमन गिल का चल रहा था, लेकिन शुरुआत शानदार मिली लेकिन टिक नहीं पाए, और कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा यहाँ पे टीम इंडिया को भुगतना पड़ा और टीम इंडिया आज हार गई। वहीं यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा की भी बात की जाए, लेकिन क्योंकि चेतेश्वर पुजारा आज सबसे शानदार भले की बल्लेबाज साबित हुए टीम इंडिया के लिए, 59 रन उन्होंने बनाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे चेतेश्वर पुजारा से उतनी उम्मीदें नहीं थी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और दिग्गज खिलाड़ी जरूर है, लेकिन टेस्ट मैच में कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की तो वहां थोड़ी सी लाज बची टीम इंडिया की, लेकिन अब जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का देखने को मिला, चाहे वो शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, हालांकि शुभमन गिल जाहिर सी बात है कि शुभमन गिल एक अकेला जो है बल्लेबाज आपकी पूरी टीम इंडिया को नहीं जिता सकता, तो ऐसे में सवाल यहाँ पे खड़े होने चाहिए रोहित शर्मा पर, क्यों रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी है, जो फॉर्म है, वो कब वापस लौट कर आएगी, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें ज्यादा रहती है। रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में, एक दौर था जब तीनों फॉर्मेट में शानदार उन्होंने रन बनाए थे, चाहे वो T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अब रोहित शर्मा का बल्ला जो है खामोश यहाँ पे नजर आ रहा है। विराट कोहली की बात की जाए, विराट कोहली से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है उनके फैंस की भी और टीम इंडिया की भी, लेकिन विराट कोहली भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब चाहे वो देखिए अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, पहली इनिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 22 रन उन्होंने बनाए, तो यहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो है इस पूरे मुकाबले में, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा मुकाबला था उस मुकाबले में फेल साबित हुए। रविंद्र जडेजा की मैंने यहाँ पे बात की तो रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर हमेशा से टीम को एक स्ट्रेंथ वो देते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ हो, चाहे वो गेंदबाजी की स्ट्रेंथ हो, लेकिन इस बार जो है अगर हम बल्लेबाजी की उनकी बात करें तो 4 रन उन्होंने बनाए 9 गेंदों का सामना करते हुए, तो यहाँ रविंद्र जडेजा भी थोड़े से फ्लॉप यहाँ पे साबित हुए। नाथन लायन की यहाँ पे गेंदबाजी जो है काफी शानदार देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिनकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया जो है टीम इंडिया को मात दी ऑस्ट्रेलिया ने, और कहीं ना कहीं नाथन लायन की जो है गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज जाहिर तौर पर फ्लॉप साबित होते हुए नजर आए, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, चेतेश्वर पुजारा की यहाँ पे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक जड़ा और सबसे ज्यादा रन जो है 59 रन उन्होंने बनाए, तो यहाँ चेतेश्वर पुजारा को अगर छोड़ दे तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, विराट कोहली की कोहली ने जाना जाता है और शानदार पारी के लिए हालांकि जाना जाता है, ऐसे में जब विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकलेंगे तो कब जो है टीम इंडिया कैसे जीत पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ जाता है। रन आप देख लीजिए कि 22 रन सिर्फ बनाए हैं 52 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके इन्होंने हालांकि जड़े, लेकिन कहीं ना कहीं टिकने की जरूरत थी जो कि विराट कोहली नहीं टिक पाए। एक दिग्गज खिलाड़ी से आप उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट मैच में टिक कर खेले, लेकिन ऐसे में जब विराट कोहली 22 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं तो नाराजगी साफ जाहिर होती है उनके फैंस के अंदर भी और इंडियन टीम में भी। तो यहाँ हमारे साथ इसमें और चर्चा करने के लिए अब अजय भी जुड़ गए हैं। अजय, कितने खुश हैं आप जो बल्लेबाजी आज हमें देखने को मिली, जिस तरीके से विराट कोहली की बल्लेबाजी जो देखने को मिली, कैसा आपको क्या? बहुत, मतलब खुशी तो किसी बात की नहीं है, थोड़ी सी भी खुशी नहीं है। बल्लेबाजी जिस हिसाब से भारतीय टीम ने करी, खुशी तो खैर थोड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ इस मुकाबले में थोड़ा और दिलचस्पी बनाई जा सकती थी इस मुकाबले को, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने
खैर ऑस्ट्रेलिया वाले भी समझ गए थे कि अगर इस पिच पर अगर हमें मैच जीतना है तो टिक कर नहीं खेलना होगा, हमें जितना तेज गति से हम रन बनाएंगे और उसी तरीके से फिर मैच को जो है फिनिश किया है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लाइव सेशन में। जो लोग अब जुड़े हैं आप लोगों को पहले हाईलाइट बता देते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मात्र 109 रन ही बनाए अपनी पहली पारी में। भारतीय टीम की अगर पहली पारी की बात करें तो रोहित शर्मा ने 12 रन बनाए, शुभमन गिल 21 रन, पुजारा 1, कोहली 22, रविंद्र जडेजा 4, श्रेयस अय्यर 0, श्रीकर भरत 17, अक्षर पटेल 12, नॉट आउट लौटे अश्विन 3, उमेश यादव 17 और सिराज ने अपना खाता भी नहीं खोला। अगर हम ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की बात करें तो मैथ्यू कॉनमैन ने 5 विकेट लिए, नेथन लायन ने 3, टॉड मर्फी ने 1 विकेट, उसके अलावा स्टार्क और ग्रीन को कोई विकेट मिला नहीं। 109 में समेटने के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जब पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर उतरी तब ऑस्ट्रेलिया ने 197 रन बनाए। ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर आउट हुए, उस्मान ख्वाजा 60, लाबुशेन 31, स्टीवन स्मिथ 26, पीटर हैंड्सकोम 19, कैमरन ग्रीन 21, एलेक्स कैरी 3, स्टार्क 1, नेथन लायन 5, टॉड मर्फी खाता भी नहीं खोल पाए और मैथ्यू कॉनमैन का भी वही हाल रहा। बॉलर्स की बात करें भारतीय बॉलर्स में अश्विन ने 3, रविंद्र जडेजा 4, अक्षर को विकेट नहीं मिला, उमेश यादव ने 3 विकेट लिए और सिराज को भी कोई सफलता मिली नहीं। उसके बाद 88 रन ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 88 रनों का लीड मिला था और इस लीड को जो है भारतीय टीम ज्यादा मतलब इस लीड का पीछा करते हुए भारतीय टीम ज्यादा लीड नहीं दे पाई और भारतीय टीम जो है 163 रन पर सिमट गई, 163 रन पर सिमट गई। और दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो पुजारा सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर करी थी, नेथन लायन ने 8 विकेट जरूर लिए और नेथन लायन की ही बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस मुकाबले को बहुत आसानी से जो है ये मुकाबला जीत लिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 76 रन बनाने थे, चेस करने थे, 76 रन, मात्र 76 रन की दरकार थी और पहले ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को जो है बीट किया था अश्विन ने, दूसरी गेंद पर उनको चलता किया, 0 पर पहला विकेट गिर गया था, उम्मीद जगा दी थी अश्विन ने, लेकिन दूसरी छोर पर रविंद्र जडेजा वो प्रेशर बनाए नहीं रख पाए और अंत में ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन से, 9 विकेट से इस मुकाबले को जीता है। अब तक इस सीरीज की बात करें तो पहला मुकाबला नागपुर में खेला गया था जब भारतीय टीम ने 132 रन और एक पारी के अंतर से जीत दर्ज करी थी। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 6 विकेटों से जीत मिली थी, दिल्ली का वो मैदान था, और तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली है 9 विकेटों से बड़ी हार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर अब खतरा मंडराने लगा है, फाइनल्स में अब खतरा मंडराने लगा है, वो कैसे वो भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि अब क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि अब हम ये मुकाबला हार चुके हैं, अब हम ये मुकाबला हार चुके हैं और इस मुकाबले को हारने के बाद अब कैसे भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स तक का सफर तय कर सकती है, क्योंकि सब कुछ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ही हो रहा है, तमाम टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला खेलने और उस मुकाबले को जीतने के लिए ही सीरीज मतलब जो है टेस्ट मुकाबले खेल रही है। तो कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए। देखिए अभी 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 हमारे साथ जो है लगभग 100 लोग जुड़े हुए और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करिए आप लोग, आप लोगों के हिसाब से हार का विलन कौन है, कसूरवार कौन है, क्या बल्लेबाजों को आप हार का कसूरवार मानते हैं, क्या बॉलर्स को आप हार का कसूरवार मानते हैं, क्या दोनों ही डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने खराब प्रदर्शन किया। यहाँ पर एक पोल भी है आप लोगों के लिए, भारत की हार की क्या थी वजह, भारत की हार की क्या थी वजह, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। और पोल में आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि भारतीय टीम क्यों इस मुकाबले को गवा बैठी, बल्लेबाजी खराब, फील्डिंग या रणनीति में चूक, गेंदबाजी तो खैर हम भी नहीं मानते कि गेंदबाजों की वजह से हम ये मुकाबला हारे हैं, और या तो बल्लेबाजी हो सकती है या तो खराब फील्डिंग हो सकती है या फिर हो सकती है रणनीति में चूक, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बल्लेबाजी।
रणनीति में चूक मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन 75% लोग मुझसे सहमत। आपको क्या लगता है ईशा? देखिए बल्लेबाजी में सबसे पहले कहूंगी, क्योंकि बल्लेबाज फेल साबित हुए, चाहे वो विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो या फिर वो रोहित शर्मा ही क्यों ना हो। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने यहाँ पे 59 रन बनाए, सबसे ज्यादा जो है रन इन्होंने बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि बल्लेबाजी अगर शुरुआत से ही अच्छी होती, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, तो यहाँ रन ज्यादा बनते, वो स्कोर जो है ज्यादा होता, ऑस्ट्रेलिया चेस फिर उसे नहीं कर पाती। तो ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली जो दिग्गज बल्लेबाज हैं, जिनसे उम्मीदें ज्यादा रहती है फैंस की भी और इंडियन टीम की भी, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बल्लेबाजी यहाँ पे कमजोर थी टीम इंडिया की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये जो है मैच जीत गई। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी पारी में बल्लेबाजी के। विराट कोहली ने दूसरी पारी में 13 रन बनाए, गेंदों का सामना किया 26, स्ट्राइक रेट 50, 2 चौके।